और नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल एरे प्रॉपर्टीज के. इसमें मोस्टली मैंने देखा आपको टू डायमेंशनल एरे में एरे और पॉइंटर कन्वर्जन में कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन होता है. इसके इसमें मैं एक्सप्लोर करूंगा हाउ टू कन्वर्टिंग टू डायमेंशनल एरे एलिमेंट इंटू इक्वलेंट पॉइंटर कन्वर्जन और हाउ टू एक्सेसिंग टू डायमेंशनल एरे यूजिंग पॉइंटर्स और यूजिंग फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट. फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिस्ट के केस मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी भी फंक्शन के अंदर यानी फंक्शन सपोज दैट सम फंक्शन इज एम वन अगर फंक्शन के अंदर आप कोई भी एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड करते हो लाइक दैट और फॉर एनी साइज देन इसका इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है लाइक की इंट स्टार मीन से कन्वर्ट किस में हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स और इसको कंसिडर करो लाइक दैट दोनों की मीनिंग क्या है इस केस में एग्जैक्टली सेम. नेक्स्ट वन सपोज दैट अगर आपने जस्ट किसी भी फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट में टू कोई भी एरे अगर आपने टू डायमेंशन के फॉर्म में प्रोवाइड किया था ना इस केस में जस्ट इसका कन्वर्जन क्या रहेगा लाइक दैट. इस केस में इसका कन्वर्जन क्या हुआ इक्वली मीन से जो भी फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट डायमेंशन हुआ जस्ट इस डायमेंशन के प्लेस पर आप रिप्लेस क्या कराओगे स्टार देन वेरिएबल नेम वाट एवर प्लस इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट्स. तो इस केस में अगर मीन से सिंगल डायमेंशन के केस में आते उसका टाइप किया था लाइक लुक्स लाइक अ सिंगल पॉइंटर तो इस केस में इसका साइज क्या था टू बाइट्स. लेकिन अगर आप टू डायमेंशन यूज कर देन फर्स्ट डायमेंशन रिप्लेस किससे हो जाएगा स्टार से और सेकेंड डायमेंशन के प्लेस पर क्या रहेगा जस्ट 10. सेकेंड डायमेंशन के प्लेस पर क्या पास किया 10 तो इस प्लेस पर क्या रहेगा 10. तो डिक्लेरेशन फाइनली टू डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन अगर आप फंक्शन पैरामीटर में प्रोवाइड कर दें इसका जस्ट कन्वर्जन किस में हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर टू एन एरे. तो इसके इसमें ए क्या है ए इज अ पॉइंटर. ये पॉइंटर इसलिए ए के केस में असाइनमेंट भी पॉसिबल हुआ ए में इंक्रीमेंट भी पॉसिबल हुआ. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ए में ए के थ्रू टोटल कितने एलिमेंट्स पॉइंट होंगे इट दिस पॉइंटर विल पॉइंटिंग 10 एलिमेंट ऑफ एनी एरे. मीन्स जो भी आप एरे एड्रेस पास करोगे उस एरे के केस में इस पर्टिकुलर पॉइंटर के थ्रू गिवन एड्रेस ऑनवर्ड्स टोटली 10 एलिमेंट्स पॉइंट करना पॉसिबल. इसलिए इस केस में जब आप इंक्रीमेंट कराओगे ए में अगर प्रीवियस केस में इंक्रीमेंट करा तो इंक्रीमेंट कितने से होता 2 से. लेकिन इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ टाइप. मीन्स इस केस में इंटीजर टाइप के एलिमेंट और साइज के पास के 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20. फाइनली इस केस में इंक्रीमेंट किस में होगा 20. फिलहाल मीन्स आपको स्पेशली याद रखना है अगर फंक्शन पैरामीटर के अंदर सम फंक्शन नेम इज एम वन तो इसके अंदर अगर मैंने कोई डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया लाइक दैट इंट ए और सम वेरिएबल पी 5. इसके स्टेस्टर ने सप्लाई क्या किया है वन डायमेंशन. तो वन डायमेंशन के केस में इस पैरामीटर का कन्वर्जन किस फॉर्म होगा लाइक दैट एम वन इंट मीन्स जो भी पॉइंटर सॉरी एरे नेम है एरे नेम के प्लेस पर डायमेंशन के प्लेस पर रिप्लेस किया जाएगा स्टार देन एरे नेम क्या है पी मीन्स पी बिकम्स पॉइंटर नेम प्लस इसको कंसिडर कर सकते लाइक इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट. इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ इस केस में सिंपली कंसिडर किया हुआ लाइक अ पॉइंटर. सिमिलरली अगर सपोज दैट किसी भी फंक्शन के अंदर अगर आपने टू डायमेंशन सप्लाई किया सेम डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया लाइक दैट पी ऑफ फॉर एनी साइज एन एन डजंट मैटर इस प्लेस पर आप कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू यूज कर सकते हो इस प्लेस में सप्लाई किया 3 देन इस केस में इसका जस्ट कन्वर्जन क्या हुआ लाइक दैट एम वन इंट देन फर्स्ट डायमेंशन के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो जाएगा स्टार देन पॉइंटर नेम मीन्स पी बिकम्स पॉइंटर नेम एज अ ब्रैकेट देन 3 के प्लेस पर क्या रहेगा 3. तो इस केस में इसका जस्ट मीनिंग क्या है मीन्स इस केस में जस्ट अगर आपने फंक्शन आर्ग्यूमेंट के अंदर पैरामीटर्स के अंदर कोई भी टू डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड की था टू डायमेंशन एरे डिक्लेरेशन कन्वर्ट किस में होता है इक्विवेलेंट पॉइंटर टू इंटीजर कन्वर्जन. इसलिए केस कैसा रहता है ऑलवेज वैलिड मीन्स इस केस में टू डायमेंशन एरे एलिमेंट एक्सेस करना पॉसिबल होता है क्योंकि इस केस में जब भी आप एरे नेम में इंक्रीमेंट कराओ पॉइंटर नेम में इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट कितने से होगा साइज ऑफ मीन्स गिवन साइज मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय टाइप ऑफ एलिमेंट्स मीन्स इस केस में इंक्रीमेंट कितने से होगा 6 से. क्लियर इस एग्जाम्पल के थ्रू चेक करते हैं व्हाट इज द आउटपुट ऑफ गिवन केस. जस्ट जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो करेंटली मैंने इस प्रोग्राम के अंदर 3x2x4 का एरे डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है. इस केस में नंबर ऑफ रो कितने 2 रो प्लस इसके लिए ऑलरेडी मैंने डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर रखा है. इस केस में टोटल फंक्शन के अंदर 4 डिक्लेरेशन प्रोवाइड हो रहा है पी क्यू आर एस एंड टी 4 आर्गुमेंट. तो इस केस में पॉइंटर में इस केस में एरे नेम भी कितनी बार सप्लाई कर रहा हूँ 5 टाइम्स ए ए पी क्यू आर एस टी. तो फाइनली रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स कितने 5 सभी केस में पी क्यू आर एस की बात करें पी क्यू आर एस टी
तीनों मीन्स ऑल वेरिएबल्स फर्स्ट केस में तो आप ऑलरेडी श्योर हो, फर्स्ट केस में इसका जस्ट कन्वर्जन क्या होगा लाइक दैट इंट स्टार और डायमेंशन के प्लेस पर भी रिप्लेस किया जाए लाइक दैट ऑल्सो स्टार पी और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट मीन्स इस केस में पी क्या है डबल पॉइंटर सेम एज क्यू ऑलरेडी क्या है डबल पॉइंटर आर की बात करें तो आर का जस्ट कन्वर्जन क्या होगा लाइक दैट इंट स्टार आर साइज क्या प्रोवाइड किया 4 मीन्स आर इस केस में क्या है आर इज ऑल्सो पॉइंटर लेकिन आर किस टाइप का पॉइंटर है पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे आर के थ्रू कितने एलिमेंट पॉइंट करना पॉसिबल 4 एलिमेंट तो इंक्रीमेंट जब आर में इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट 2 से हुआ 8 से इस केस में इंक्रीमेंट किससे होगा साइज ऑफ रो क्लियर साइज क्या प्रोवाइड किया इस केस में रो का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 साइज ऑफ इंटीजर क्या आएगा 8 इंक्रीमेंट कितने से होगा 8 से सेम एज इन दैट केस इस केस में ऑलरेडी क्या है पॉइंटर टू एन इंटीजर मीन्स R और S का मीनिंग कैसा सेम है T का भी इंटरनली कन्वर्ट किस में टू डायमेंशनल एरे एवरी टाइम कन्वर्ट किस में होगा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर टू एन एरे तो लास्ट थ्री आर्गुमेंट R S T तीनों का टाइप क्या है पॉइंटर टू एन एरे तो इसके इसमें इंक्रीमेंट कितने से होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो गिवन एग्जांपल के उस पर चेक करें फर्स्ट केस में सप्लाई किया पी पी प्लस वन सपोज दैट पी के किस्म से यहाँ एरे का एड्रेस क्या है क्योंकि मैंने 100 इस प्लेस पर सभी प्लेसेस पर पास करो 100, 100 लाइक दैट टोटल 5 पॉइंटर वैल्यूज क्रिएट हो रहे हैं इस केस में पॉइंटर वैल्यूज क्या है जस्ट पी क्यू आर एस टी सभी केस में एड्रेस कैसा आसान हो रहा है सेम एड्रेस 100, 100, 100, 100 में से एरे का बेस एड्रेस फर्स्ट पॉइंटर पी के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे 2 क्यू के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे 2 लेकिन आर एस टी इन तीनों ही पॉइंटर्स के थ्रू कितने बाइट्स पॉइंट होंगे जस्ट 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 8 बाइट्स इसलिए इन तीनों पॉइंटर में इंक्रीमेंट भी कितने से होगा 8 से जबकि प्रीवियस पी और क्यू में इंक्रीमेंट कितने से होगा ओनली 2 से तो सभी केस में क्या स्टोर है 100 तो फर्स्ट केस में क्या है 100 और इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है 1 से तो इसलिए क्या है 100 and 102 नेक्स्ट वन क्यू का भी टाइप क्या है ऑल्सो डबल पॉइंट है तो क्यू में भी इंक्रीमेंट क्यू में क्या पास हुआ 100 और क्यू में इंक्रीमेंट कितने से हुआ ओनली 2 आर की बात करें तो आर क्या है पॉइंटर टू एन एरे कितने बाइट्स पॉइंट होंगे आर के थ्रू 8 बाइट्स तो आर में जब इंक्रीमेंट कराओ तो इंक्रीमेंट भी कितने से हुआ ऑल्सो 8 सेम एज इन रिमेनिंग केस एस एंड टी एस में क्या पास हो रहा है 100 लेकिन एस भी कन्वर्ट किस में हो रहा है पॉइंटर टू एन एरे इंक्रीमेंट कितने से हुआ 8 से सेम एज अगेन 8 लास्ट थ्री केस कैसे हैं एग्जैक्टली सेम वन मोर केस इस केस में लास्ट केस वैलिड क्या है उसका रीजन समझते हैं सपोज दैट अगर फर्स्ट केस में बात करो पी के केस में पी के अकॉर्डिंग मैंने राइट डाउन किया लाइक दैट पी ऑफ वन ऑफ टू अगर रियल में पी वैलिड एक्सरसाइज एरे के लिए देन इस केस में वन ऑफ टू केस में फाउंड क्या रहा है वन ऑफ टू में फाउंड क्या रहा है वैल्यू है 7 एड्रेस क्या है 112 तो इस लोकेशन को अदर नेम क्या दे सकते हैं स्टार 112 चेक करो इस केस में सेम लोकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसका जस्ट कन्वर्जन क्या बताया था मैंने स्टार पी प्लस 1 प्लस 2 दिस इज कन्वर्जन देन पी की बात करें तो पी में ऑलरेडी मैंने आपको भी जस्ट बताया था पी में इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से प्लस पी किस टाइप का पॉइंटर सिंगल पॉइंटर डबल पॉइंटर पी इज अ डबल पॉइंटर इसलिए 2 टाइम स्टार अप्लाई करना पॉसिबल पी में इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से जैसे डायग्राम में भी ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट टाइम इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है 2 से तो यहाँ जब पी की बात करें 100 प्लस 2 क्या जाएगा 102 प्लस अगेन 2 देन स्टार फर्स्ट टाइम जब स्टार 102 के लिए अप्लाई हुआ दिस इज द सिंगल पॉइंटर स्टार 102 की बात करें इस केस में जस्ट मैंने अभी पॉइंटर्स क्रिएट किए थे स्टार 102 के केस में एक्सेस क्या और हमें से कोई लोकेशन होगा स्टार 102 इस प्लेस पर रिप्लेस किया उस लोकेशन में जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू अगेन कंसिडर होगा लाइक एड्रेस देन इसमें अगेन इंक्रीमेंट होगा वाट एवर इस प्लेस पर कौन सा एड्रेस स्टोर है कौन सा वैल्यू स्टोर गार्बेज इसलिए इसको एज्यूम करना पॉसिबल इस केस में जनरेट क्या हुआ सम गार्बेज वैल्यू और सम अनएक्सपेक्टेड वैल्यू क्लियर लेकिन सेकेंड केस में बात करें इन सेकेंड केस में जस्ट परफॉर्म क्या हुआ सेकेंड केस क्या इसका इक्विवेलेंट रिगार्डिंग आर एस और टी एनी केस आर एस और टी के केस में अगर आप सेम एक्सप्रेशन राइट करते हो लाइक दैट इस केस में क्या मिलेगा जस्ट आपको गार्बेज और अननोन वैल्यू एस ऑफ वन ऑफ टू एस के केस में ऑलरेडी बता चुके इसका कन्वर्जन सेम ही रहेगा कन्वर्जन क्या हुआ स्टार एस प्लस वन प्लस टू लेकिन इस केस में एस में इंक्रीमेंट कितने से होगा जस्ट
वन मल्टीप्लाई बाई ऑलरेडी मैंने शो किया एस में इंक्रीमेंट कितने से 8 से साइज ऑफ रो, तो एस प्लस वन इज 100 प्लस वन इज 108 प्लस 2, इस केस में स्टार 108 कंसीडर क्या हुआ एड्रेस ऑफ रो। प्रीवियस केस में आपको याद हो प्रीवियस केस में क्या रिप्लेस हुआ था इन केस ऑफ पी, पी के केस में क्या था जस्ट स्टार या इंक्रीमेंट कितने से हुआ था पी के केस में 2 से, तो स्पेस पे क्या था स्टार 102, तो स्टार 102 के केस में कंसीडर क्या हुआ मींस इस पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस नेम स्टार 102, स्टार 102 में वैल्यू क्या स्टोर था 2, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा मींस 2, ये अपने आप में कंसीडर क्या हुआ जाए ब्लॉक, तो इस केस में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जनरेट होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में बात करें स्पेशली स्टार 108 क्या है इसके इसमें इस रो का नेम, इस रो का एड्रेस 108 है, तो इस रो को नेम दे सकते हैं स्टार 108। और जब भी किसी मिसे स्टार 108 क्या है लाइक अ ब्लॉक नेम, ब्लॉक नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या होता है ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 108, तो इस प्लेस पर स्पेशली यहाँ रखना इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा अगेन 108। फर्स्ट केस में 108 क्या था नेम ऑफ द स्टार 108 क्या था नेम ऑफ द रो इस ब्लॉक नेम, और ब्लॉक के नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या था ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, या ब्लॉक का एड्रेस और ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस सेम है इसलिए आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन स्पेशली यहाँ रखना फर्स्ट केस में स्टार 108 क्या है ब्लॉक नेम, लेकिन सेकेंड टाइम अगेन स्टार 108 के प्लेस पर ब्लॉक नेम से क्या रिप्लेस हो ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मीन 108, अगेन इस प्लेस पर नेक्स्ट सेकेंड स्टार अप्लाई हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ सेकेंड स्टार बाद में अप्लाई हुआ क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी इसमें परफॉर्म क्या कराना इंक्रीमेंट बाई 2, नेक्स्ट टाइम इसे पर्टिकुलर 108 कितने बाइट का एड्रेस है 2 बाइट का, तो यहाँ इंक्रीमेंट कितने से हुआ मल्टीप्लाई बाई 2, 108 प्लस 4 इज 112, अप्लाई क्या हुआ जस्ट स्टार, तो इस केस में क्या होगा स्टार 112, स्टार 112 में वैल्यू क्या स्टोर है 7, इस केस में आपको वैल्यू क्या मिलेगा 7, और इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू भी क्या था आपका एस ऑफ 1/2 में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था 7, और ये एक्सप्रेशन में आपको क्या प्रोवाइड कर ऑल्सो सेम जबकि प्रीवियस केस में क्या होना था आपको अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, इसलिए प्रीवियस टू डिक्लेरेशन टू डायमेंशन एरे के रिस्पेक्ट में एक्सेस करने के रिस्पेक्ट में कैसे इनवैलिड केस, लेकिन लास्ट थ्री केस कैसे वैलिड, इस केस में आपको ऑलवेज एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेंगे क्लियर।